ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। 100 करोड़ की कांच की मस्जिद बनेगी सहारनपुर में, जिसमें 90% काम होगा कांच का तो 10% होगा स्टील का। इसके अलावा सोने की पत्रे भी उसमें लगाई जाएंगी और ये मस्जिद सहारनपुर में 500 बीघा में बनेगी। जैसे जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, वैसे ही विदेशी ग्रुप भी अब सहारनपुर आने लगे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद निर्माण में वे अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग करेंगे। आज जर्मन से मिस्टर क्रिस्टोफर और अमेरिका से सिमुल सहारनपुर पहुंचे और उन्होंने मस्जिद निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मस्जिद निर्माण के बाद निश्चित रूप से सहारनपुर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। And I'm very honored to be here. And I heard that my friends here, they want to build a place of worship. And yeah, I'm glad that this project will start. And I heard also that there will be a lot of help for young people. They want to grow them, to help them grow, and to help them get more support. And yeah, I'm praying for this project that this can be happening, this will be happening. मेरा नाम सैम मल है और मैं देहरादून का निवासी और मसूरी का निवासी रहा हूँ और वकील साहब के साथ मेरा संबंध काफ़ी अरसे से बना रहा और हमने मिल करके इस कम्युनिटी में काफ़ी कुछ खिदमत की है, जिससे कि गरीबों की भलाई हुई है। उनकी क्लिनिक वगैरह लगाई गई थी, उनके इलाज के लिए इंतजाम किए गए थे और जब इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया गया तो हमें ऐसा लगा कि ये सारी कम्युनिटी की भलाई के लिए ये तैयार किया जा रहा है, ना सिर्फ सहारनपुर के लिए लेकिन बाहर के दूसरे दूसरे मुल्कों के भी लोग आ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि एक नेक काम में जब लोग दिल से मिल करके हिस्सा लेते हैं तो बड़े से बड़े काम जो है मुमकिन हो सकते हैं और हमारी ये दुआ है कि ये जल्द से जल्द नेक काम पूरा हो सके, जिससे कि जज्बाती तौर से, रूहानी तौर से, जिस्मानी तौर से लोगों की भलाई हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में नौजवानों की। आप इंडिया से बाहर रहते हैं, वहाँ पर जब आपने खबर देखी तो आपको कैसा लगा? कितने वहाँ के लोग? मैंने खबर देखी तो उससे सुनकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे इस देश में ऐसे प्रोजेक्टों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो जिससे कि सारे आवाम की भलाई हो सकती है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली एडवोकेट है और मैं द इस्लामिक फाउंडेशन सहारनपुर इंडिया का ऑल इंडिया अध्यक्ष हूँ। हमने अभी कुछ दिन पहले ही 100 करोड़ रुपए की लागत से कांच की मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। उस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हमारे पास आई है, जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, यही चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे जो चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या हमारे हाजी इकबाल साहब यूनिवर्सिटी हो, मोहम्मद आलम खान यूनिवर्सिटी हो या हमारे गुलाम मस्तानी साहब यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भी हमारे जो कोटा होता है मुस्लिम्स का वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आज हमारी जो पढ़ाई है वो जो नर्सरी तक ही हम सिमट कर रह जाते हैं। कुछ बच्चे जो है हाई स्कूल तक पहुँचते हैं और इंटर तक और ग्रेजुएशन तक हम 3-4% रह जाते हैं। इसलिए हाई एजुकेशन तक पहुँचना या उसकी यूनिवर्सिटी बनाना वो अभी इतनी जल्दीबाजी होगी। और हमने जो ये मस्जिद बनाने का फैसला किया है, इसके पास इसके आते में ही हम कोचिंग सेंटर के भी इंतज़ाम करेंगे। उसमें हम हर साल 1000 नौजवानों को PCS, IAS और IPS की जो है वो कोचिंग कराएंगे और उसमें से हम जो कामयाब बच्चे होंगे वो हमारा एक हिस्सा बनेंगे, हमारे समाज का हिस्सा बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम जो यतीम बच्चों के ओरिजिनल यतीम बच्चे, हम उनका ही पालन पोषण के लिए काम करेंगे। वो सब काम जो हम 500 बीघे की मस्जिद बनेगी उसके आते में सारे काम सोशल काम भी होंगे। अभी आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, तो सुनने में आया सूत्रों द्वारा कि इसकी गूंज अमजे तक भी जा रही है, तो उसके बारे में क्या बताएं? ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया का एक नया प्रोजेक्ट है। आज तक दुनिया में कोई कांच की मस्जिद नहीं है,
और कीमती मस्जिद हैं, कीमती पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन कांच की मस्जिद जिसमें सिर्फ 90% कांच का इस्तेमाल होगा वो सिर्फ हिंदुस्तान में एक होगी और एक यूनिक चीज़ होगी पूरी दुनिया के अंदर, और हिंदुस्तान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।